आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कीबोर्ड की प्रेफरेंसेस सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको इसकी सारी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा कि आप इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं और हर एक सेटिंग का इसमें मतलब क्या होता है। अगर आप कोई भी सेटिंग ऑन ऑफ करेंगे तो आपके यहाँ पर कीबोर्ड पर क्या चेंजेस होंगे, ये सारी चीज मैं आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना और अंत तक देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने फोन की इस सेटिंग के सारे ऑप्शंस को यूज करना और उनके बारे में जान जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी दोस्तों आप किसी ऐप में या अपने फोन की किसी जगह आप कुछ इस प्रकार से अपने कीबोर्ड को ओपन करते हैं तो यहां पर आपको आपके कीबोर्ड में एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपको यहां पर नहीं देखने को मिलेगा तो आप सिंपली इन फोर डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अब क्योंकि मेरे फोन में यहां पर आ रहा है इसीलिए आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो सिंपली जब आप अपने फोन की इस सेटिंग पर टैप करके यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको एक सेटिंग मिलती है प्रेफरेंसेस नाम की, और इस सेटिंग के बारे में अगर आप पूरा डिटेल में समझ जाते हैं तो आप भी अपने कीबोर्ड को बहुत ही स्मार्ट तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो और बहुत ही एडवांस लेवल का यहाँ पर इसका यूज कर सकते हो। तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड की सेटिंग में यहाँ पर प्रेफरेंसेस को ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर कीज के ऑप्शन में एक ऑप्शन मिल जाता है नंबर रो का। अगर आप इसे इनेबल करेंगे तो क्या होगा और अगर आप इसे डिसेबल करेंगे तो क्या होगा। तो बेसिकली आप सबसे पहले आप हमारे इस कीबोर्ड को देख लो जो कि आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं यहां पर इसे इनेबल कर दूंगा तो मेरे कीबोर्ड के सबसे ऊपर एक नंबर की रो आने लगेगी जिसको आप यहां देख सकते हैं। पहले मेरे कीबोर्ड में यहां पर इन नंबर्स की रो नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने यहां से इसे ओपन कर दिया, यहां से इसे चालू कर दिया तो मेरे में वहां पर आने लगी, और साथ ही अगर मैं यहां से इसे बंद कर देता हूं तो मेरे में यहां पर नहीं आएगी। और अब अगर मुझे नंबर्स का यूज करना है तो इन सिंपली इस पर लॉन्ग प्रेस करके यहां पर नंबर का यूज करना पड़ेगा। तो इसके बाद दोस्तों अगली सेटिंग है सो इमोजी स्विच के। बेसिकली आपके कीबोर्ड में दो प्रकार के स्विच के होते हैं, एक इमोजी स्विच के और एक लैंग्वेज स्विच के, और आप अपने कीबोर्ड में एक साथ दोनों को इनेबल नहीं कर सकते। अगर आप इमोजी स्विच के को इनेबल कर लेंगे तो आपकी ये लैंग्वेज स्विच के डिसेबल हो जाएगी, और अगर आप इसे लैंग्वेज स्विच के को इनेबल कर लेंगे तो आपकी ये इमोजी स्विच के डिसेबल हो जाएगी। तो बेसिकली ये होता क्या है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर अपने कीबोर्ड में आना पड़ेगा। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मेरे में यहां पर एक ब्राउजर का ऑप्शन बना हुआ है, और जैसे ही मैं इस पर टैप करता हूं तो मेरे फोन में यहां पर लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। जैसे ही मैं यहां पर इस पर टैप करता हूं तो मेरे फोन की यहां पर लैंग्वेज चेंज हो रही है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों ये यही होता है, अगर आप यहां पर लैंग्वेज स्विच को इनेबल कर लेंगे तो यहां पर लैंग्वेज को स्विच करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और अगर आप यहां से इमोजी स्विच को इनेबल कर लेंगे तो आपके यहां पर इमोजी का ऑप्शन आ जाएगा जिस पर जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपके सामने इमोजीज आ जाएंगे। तो आप अपने कीबोर्ड में क्या यूज करना चाहते हैं तो आप उसे यहां से बदल सकते हैं और कुछ स्मार्ट तरीके से आप अपने कीबोर्ड में इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगली सेटिंग्स आ जाती है लेआउट में, जिसमें पहली सेटिंग वन हैंडेड मोड की है। तो जैसे ही आप इसमें दोस्तों टैप करेंगे तो इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, राइट हैंडेड मोड और लेफ्ट हैंडेड मोड। तो जैसे ही आप मान लो यहाँ पर राइट हैंडेड मोड पर क्लिक कर दोगे तो आपका ये फ़ोन आपके राइट हैंड की तरफ इधर स्लाइड हो जाएगा, और इसी प्रकार आप यहाँ से इसे जैसे लेफ्ट हैंडेड में करना चाहते हैं तो यह आप इसे लेफ्ट हैंडेड में भी कर सकते हैं। तो इस सेटिंग का दोस्तों यही यूज है, आप अगर यहाँ पर एक हाथ से फ़ोन चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस पर आकर सेटिंग को चेंज करेंगे, उसके बाद आप एक हाथ से यहाँ पर टैपिंग कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर इस वाले हाथ का यूज करते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप इस हाथ से टाइपिंग कर सकते हैं, और अगर आप इसे डिसेबल करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहीं से इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन की यह सेटिंग डिसेबल हो जाएगी, जिसको अगर आपको दोबारा ऑन करना है तो सिंपली आपको यहां पर आना पड़ेगा और इसे यहां से ऑन करना पड़ेगा। इसके बाद लेआउट की अगली सेटिंग दोस्तों है कीबोर्ड हाइट की, जिसका यूज करके आप अपने कीबोर्ड की हाइट को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं अभी मेरे कीबोर्ड की साइज इतनी बड़ी है, लेकिन अगर मैं यहां से प्रेफरेंसेस में आकर यहां से कीबोर्ड की हाइट अभी टाल में लगी है, अगर मैं यहां पर एक्स्ट्रा शॉर्ट में कर देता हूं तो मेरे कीबोर्ड की हाइट यहां पर छोटी हो जाएगी। इसी प्रकार अगर मैं यहां पर इसमें आकर कीबोर्ड की हाइट को यहां पर एक्स्ट्रा टाल पर सेलेक्ट कर देता हूं तो यहां पर हमारा ये कीबोर्ड इतना बड़ा हो जाएगा।
तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप इसमें यहाँ पर कीबोर्ड की हाइट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं इस सेटिंग का यूज करके। इसके बाद अगली सेटिंग दोस्तों की प्रेस में आती है और ये सेटिंग है साउंड ऑन की प्रेस। तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं हमारे में ये इनेबल है। और अब अगर मैं यहाँ पर अपने कीबोर्ड को यूज करता हूँ तो आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक साउंड सुनाई आपको दे रही होगी। तो इस सेटिंग का दोस्तों यही यूज होता है, अगर आप अपने यहाँ पर कीबोर्ड में जब की प्रेस को टैप करें तो वहाँ पर साउंड आए तो आप उस पर यहाँ पर क्लिक करके आप इसे इनेबल कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको नीचे इसे कस्टमाइज करने का, यहाँ पर कम ज़्यादा करने का भी वॉल्यूम को ऑप्शन मिल जाता है। अगर यहाँ पर 100% कर देंगे तो इसकी आवाज़ ज़्यादा आएगी, अगर यहाँ पर इसे आप यहाँ पर लो कर देंगे 20-30% कर देंगे तो यहाँ पर आपको इतनी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इसके बाद अगली सेटिंग यहाँ पर दोस्तों होती है हैप्टिक फीडबैक ऑन की प्रेस। बेसिकली ये सेटिंग भी यहाँ पर नीचे से यहाँ पर कनेक्ट होती है और ये सेटिंग होती है वाइब्रेशन की। जैसे ही आप वहाँ पर अपने की प्रेस को टच करते हैं, वहाँ पर टैप करते हैं, तो अगर आप इसे इनेबल कर देंगे तो उस पर वहाँ पर वाइब्रेशन होगा, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर टैप करता हूँ तो यहाँ पर हमारा ये फ़ोन में यहाँ पर की प्रेस ये वाइब्रेट हो रहे हैं। और इस सेटिंग को भी दोस्तों आप यहां से मैनेज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मैंने इसे इनेबल किया हुआ है, लेकिन यहां पर चाहूं तो मैं इसे कम ज़्यादा भी कर सकता हूं। जो कि वाइब्रेशन है उसकी स्ट्रेंथ यहां पर कम ज़्यादा मैं कर सकता हूं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर हैप्टिक फीडबैक ऑन की प्रेस सेटिंग को यूज करेंगे। इसके बाद अगली सेटिंग जो कीबोर्ड के प्रेफरेंसेस में होती है वो है पॉपअप ऑन की प्रेस। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पर इस सेटिंग को इनेबल कर दोगे तो जब भी आप यहाँ पर कोई भी टैप करोगे, यहाँ पर कोई भी अक्षर टैप करोगे तो यहाँ पर जैसे ही टैप करोगे तो ऊपर एक पॉपअप बनकर आ जाएगा उसी अक्षर का, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर किसी भी अल्फाबेट पर टैप करता हूँ तो उसका ऊपर पॉपअप बन जाता है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर इस पॉपअप ऑन की प्रेस सेटिंग को यूज करेंगे। इसके बाद अगली जो सेटिंग होती है वो है लॉन्ग प्रेस फॉर सिम्बल्स। तो इस सेटिंग को चालू करने से पहले आप हमारा ये यहाँ पर ये कीबोर्ड देख लें, और जब मैं इसे यहाँ पर चालू कर देता हूँ इसके बाद आप जरा मेरा ये कीबोर्ड देखना। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर चालू किया उसके बाद यहाँ पर इन अल्फाबेट्स के नीचे यहाँ पर सिंबल्स भी आ गए हैं, और अगर मैं यहाँ पर इन्हें यूज करना चाहता हूँ तो सिंपली इस पर लॉन्ग प्रेस करूँगा और इसकी मदद से मैं यहाँ पर इन सिंबल्स को भी यूज कर सकता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर अल्फाबेट्स इन बटन्स पर दिखाई दे रहे होंगे। तो यही दोस्तों मतलब है इस सेटिंग का। जैसे ही आप इसे इनेबल कर दोगे तो वहाँ पर वो सिंबल्स आने लग जाएंगे, आपके लॉन्ग प्रेस जैसे वहाँ पर करोगे उन कीज़ को तो लॉन्ग प्रेस करने पर वो सिंबल्स आप यूज कर सकते हो। इसके बाद अगली जो सेटिंग है वो भी इसी से रिलेटेड है, जो कि है की लॉन्ग प्रेस। दरअसल अगर आप अपने कीबोर्ड पर 100 मिलीसेकंड तक लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको सिंबल्स वहां पर देखने को मिल जाएंगे, और इसे यहां पर आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मैं यहां पर 2000 मिलीसेकंड कर देता हूं, तो जब मैं यहां पर कोई भी सिंबल्स यूज करना चाहूंगा तो इसे ज़्यादा देर तक मुझे यहां पर लॉन्ग प्रेस करना होगा, और इसके बाद अब ये सिंबल्स आएगा जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। मैंने इस पर क्लिक किया लेकिन अभी सिंबल्स नहीं आया है, लेकिन अब आ गया। तो यहाँ पर आप इसका टाइम को डिले कम ज़्यादा यहाँ पर टाइम को मैनेज कर सकते हो, लॉन्ग प्रेस के टाइम को कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हो। तो यही मतलब होता है दोस्तों इस सेटिंग का। इसके बाद अगली जो सेटिंग है वो दोस्तों यहाँ पर फ्लिक इनपुट सेंसिटिविटी है, और इसका यूज यहाँ पर ये होता है कि जैसे आप यहाँ पर स्लाइड करते हो, ऐसे स्लाइड करते हो तो आपकी सेंसिटिविटी यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर आप जैसे स्लाइड करोगे तो कुछ भी लिख जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर आप अपनी सेंसिटिविटी को मैनेज कर लोगे, आप यहाँ पर जैसे ही अपने प्रेफरेंसेस में जाओगे और यहाँ पर सेंसिटिविटी को जैसे लो है अगर यहाँ पर हाई कर दोगे तो यहाँ पर बहुत ही जल्द ये सेंस कर लेगा और उसे बहुत ही जल्दी यहाँ पर ये टाइप कर देगा, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो इस सेटिंग का दोस्तों यही मतलब होता है, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अगर आप इसे हाई करना चाहते हैं तो आप इसे हाई करेंगे, और अगर आप लो करना चाहते हैं तो आप इसे लो करेंगे। इसके बाद अगली और आखिरी सेटिंग जो है वो है दोस्तों शो ऐप आइकन। बेसिकली जब आप अपने कीबोर्ड का यूज करके कहीं भी कोई चीज सर्च करोगे, जैसे आप यहाँ पर क्रोम ब्राउजर पर जाते हो और वहाँ पर गूगल सर्च करते हो तो वहाँ पर आपको नीचे गूगल का आइकन देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप भी अपने जीबोर्ड के यहाँ पर प्रेफरेंसेस सेटिंग को यूज कर सकते हो, जो कि आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप यहाँ पर जैसे अगर मान लो कुछ फोन्स में क्या होता है कि लोग सेटिंग्स को यहाँ पर नहीं ओपन कर पाते हैं,
तो अगर आपको दोस्तों यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो सिंपली आप यहाँ पर इस कॉमा पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर ये सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा और आप अपने फोन में कुछ इस प्रकार से सेटिंग को ओपन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की इस वीडियो में आप अपने कीबोर्ड की प्रेफरेंसेस सेटिंग को यूज करना सीख गए होंगे। अगर आप सीख गए हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हर रोज ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टेक वीडियोस अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।